एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। डेटा टाइप तो हमने देखा क्या होते हैं। डेटा टाइप आपको ये बताते हैं कि कितनी जगह वो मेमोरी में लेने वाले हैं और क्या फॉर्मेट होगा डेटा का, यानी कि डेटा का टाइप क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो कैरेक्टर्स है। तो डेटा टाइप्स ये होते हैं। आपने ये देखा कि जब हम लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, हम क्या जान रहे थे उसके बारे में कि वो क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। चलिए उसको देखते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम एक इंटीजर डालना चाह रहे थे। अगर हम एक लिंक लिस्ट देखें जहां पर हम इंटीजर की लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक इंटीजर एन को रखना चाह रहे हैं लिस्ट में, या रिमूव करना चाह रहे हैं आइटम को, या प्रिंट करना चाह रहे हैं। एक तरीके से हमने ट्रैवर्सिंग की बात की थी वहां पर। तो हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं, हम बेसिकली ये चाह रहे हैं हम चाह ये रहे हैं कि हम परफॉर्म कर सके ये ऑपरेशन। इट डजंट मैटर सो मच वेदर वी इंप्लीमेंट देम यूजिंग लिंक लिस्ट और परहैप्स एरेज, वेक्टर्स और सम अदर मेथड। तो आज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि हमारा असली मुद्दा ये है कि इन ऑपरेशंस का हम ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि वो लिंक लिस्ट से किया जाए, एरे से किया जाए, या वेक्टर से किया जाए, या किसी और मेथड से किया जाए। हमारा ये ध्येय है कि डेटा स्ट्रक्चर है, वो डेटा इंटरनली स्टोर कर रहा है और हमें ये तीन ऑपरेशन करके दिखा दे। फिर से मैं समझाना चाहूंगा कि हम इस पे हैं कि वो क्या, व्हाट वी वांट टू। हम बेसिक चीज देख रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे हो रहा है ये हमारे हमारा जो सेकेंडरी आउटलुक है, हम ये बाद में सोचते हैं। लिंक लिस्ट एक तरीका है वो किस तरीके से किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये तीन ऑपरेशन किए जाएंगे और उसको कैसे किया जाएगा, उसके लिए लिंक लिस्ट एक आंसर है। समझ गए ना, लिंक लिस्ट बाद में आती है। हम क्या करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, पहले आ रहा है। अब इस व्हाट के बारे में बात करें, क्या, तो ये ऑपरेशन जो हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसे ही हम, इन ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करना उसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। कि क्या करना है, डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या करना है वो चीज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। तो एडीटी ये डिफाइन करता है, ये पूरी तरीके से एडीटी डिफाइन होता है ऑपरेशन से जो ये सपोर्ट करेगा। तो हम तीन अपने एडीटीज के बारे में बात करेंगे। एक लिस्ट लेंगे, एक आपका आगे बैग आएगा और एक और जो है उनको भी देखेंगे। लिस्ट, अब लिस्ट क्या है, लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा एरेज है, हमारे वेक्टर्स हैं, ऐसी लिस्ट है। और उसके ये ऑपरेशंस है, ऑपरेशन ये है इंसर्ट, रिमूव, सेट और गेट। व्हाट इज दिस, इंसर्ट मतलब टी इसमें जो कैपिटल टी दिख रहा है वो एक टाइप है, कोई भी इंटीजर है, स्ट्रिंग या और टाइप हो सकते हैं। इंसर्ट मतलब यह है इस पोजीशन पे ये वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। रिमूव मतलब जो पोजीशन होगी उससे रिमूव कर दीजिए। सेट मतलब इस पोजीशन पे ये वैल्यू सेट कर दीजिए या ओवरराइड कर दीजिए। गेट मतलब इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसे हम रिट्रीव कर लेंगे। तो जो लिस्ट डेटा टाइप है ये मोर और लेस आपको लग रही होगी कि एरे की तरह है, लेकिन ये आपको एक और चीज प्रोवाइड कर रही है, इंसर्टिंग और रिमूविंग। एरे में कहा इंसर्ट रिमूव कर सकते थे आप, मैनुअली करना पड़ता आपको कि पूरा का पूरा एक एरे लेते, फिर दूसरा एरे बनाते, एक की वैल्यू दूसरे में कॉपी करते, ये सब करना पड़ता उसमें, लेकिन यहां पर इंसर्टिंग रिमूविंग आपको मिल रही है। यानी कि हम उन पोजीशंस के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्या वो लीगल है, क्या वो आउट ऑफ रेंज हो जाएंगी। तो हर एक जिसके मैंने कहा ना तीन चार के बारे में हम बात करेंगे, तीन बेसिकली तीन को मेन मुद्दा बनाएंगे हम। तो ये जो तीन है इसमें, ये तो ठीक है ऑपरेशंस तो हो गए, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी आप समझ गए होंगे अभी तक, लेकिन हम क्या ये चीज देख रहे हैं, हमारा एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट या एज ए कंप्यूटर पर्सन हमारा क्या काम है, हम उनमें देखें कि क्या इलीगल है, क्या इलीगल है, क्या आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूं, आपके दो एलिमेंट की लिस्ट है, आप चौथे एलिमेंट चौथी जगह पे आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, क्या हो सकता है कि अगर ऐसा होगा सिग्नल आना चाहिए। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो डमी वैल्यू से फिल कर दीजिए। रेंज भी आपको बतानी है, रेंज कैसे बताएंगे, जीरो से लेकर साइज माइनस वन तक, यानी कि अगर आपका दो ही वैल्यू है तो जीरो से लेकर साइज माइनस वन, टू माइनस वन, यानी जीरो से वन, तो आपको साइज भी बतानी है। अगर साइज नहीं